हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए दिखाते हैं हमारे यहाँ जो है सुबह की शुरुआत कैसे होती है। और हाँ दोस्तों, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग ज़्यादा आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और सुबह का मौसम हमारे यहाँ कैसा है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। और इस टाइम दोस्तों जो है बारिश हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है। आप लोग क्या हो रही है या नहीं हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब से धान की रुपाई हुई है तब से तो लग रहा है कि बारिश का कोई अता पता ही नहीं है, और धान को जो है बारिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, यानी पानी की। तो दोस्तों, सुबह का मौसम कुछ इस तरह से आप लोग भी देख सकते हैं, कितना सुहाना और प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह जो है ऐसा ही होता है, और ऊपर से जो है धूप भी निकल गया है। और इधर आप लोग देख सकते हैं मेरा तोता जो है एंजॉय कर रहा है अकेले ही, ऊपर से नीचे हमेशा होता रहता है और बहुत ही मतलब बोलता भी है। और इधर तो अमृता जो है अपने कामों में लगी हुई है। सबसे पहले तो गैया को चारा पानी डाल दिया, और उसके बाद जो है पूरे द्वार पर झाड़ू लगा लेती है, और सारा कूड़ा दोस्तों इकट्ठा जो है उठा लेती है। और देख सकते हैं मेरे बड़े वाले बाबू को ये जो है साइकिल लेकर निकल गया है सैर करने के लिए, और साथ में जो है अपने दोस्त को भी लिया है। मना करने पे जल्दी मानता भी नहीं है, तो फिर वो अपना चला रहा है। और इधर हम रीता जो है फटाफट पूरे द्वार पर झाड़ू लगा लेती है। अमृता पूरे द्वार पे झाड़ू लगा चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक हमारी दीदी जो है कमेंट की थी कि तुम नीचे से पानी क्यों फेंकते हो। तो दीदी, हमारा मशीन का दोनों गड्ढा भर गया, ये सोखता वाला गड्ढा था तो जो है पूरा भर गया, इसकी वजह से पानी नीचे जाता। और नीचे से हम लोग जो है पानी पूरा फेंकने के लिए पीछे साइड जाते हैं, वरना बहता हुआ दूसरे के द्वार पर जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोग वहीं से फेंक देते हैं। तो बाहर का जो भी काम था अमृता अपना कर लेती है। और इधर दोस्तों देख सकते हैं हमारा चाय बन चुका है, चावल बन गया, एक तरफ दाल बन रहा है, दूसरी तरफ भाभी जो है फटाफट रोटियां बना लेती हैं। और आज भोजन में जो है बस दाल चावल रोटी ही बनेगा, क्योंकि घर पे सब्जी कोई नहीं था। तो मम्मी बोली चलो जाने दो, जो है वही बना दो। तो वहाँ पे जो है भाभी अपना बना लेती हैं। और इधर सारी गैया जो है खाने में लगी हुई है, मम्मी जो है गैया लगा चुकी है, पापा जो है दूध भी देने के लिए चले गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आधे एक घंटे बाद पापा जो है दूध देकर आ भी जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों डल्लू में कुछ जूठा भी रहता है, वह लोग दी थी जहाँ पे दूध जाता है, तो पापा बोले गैया को डाल दो, तो वही मैं डाल देती हूँ। और चाय पापा जो है सुबह के टाइम नहीं पी कर गए थे, तो यहाँ पे मैं जो है सबके लिए चाय लाती हूँ और सब लोग जो है पी लेते हैं। क्या करोगे तो ये? बाबा चाहिए। अभी खाना खा लिया बाबा तब ना? बाकी तो सबको बाय कर दो बाबू। और इधर दोस्तों जो है आप लोग देख सकते हैं अमृता जो है सारा काम निपटाने के बाद पूरे घर की जो है लिपाई कर दी है, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन ज़्यादातर हम लोग जो है अपने घर की लिपाई करते हैं। वैसे भी दोस्तों कल जो है सावन का सोमवार है, तो घर को जो है क्लीन और फ्रेश तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए अमृता जो है जो भी उससे हो सका उतना सारा काम कर ली है। और उसके बाद जो है नहा धोकर सो गई है चौकी पर, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मम्मी जो है लेकर आ गई हैं अरहर, और उसका जो है दोस्तों आज मम्मी दाल बनाएंगी, तो सबसे पहले चक्की में इसे पीस लिया, और उसके बाद जो है सारा फटकार रही है ताकि जो है इसका छिलका बाहर निकल जाए। और फिर मम्मी बता रही थी इसे जो एक दिन भिगोया जाएगा, और भिगो कर जो है धूप में सुखाया जाएगा, उसके बाद जो है फिर उसका कुछ प्रोसेस होगा। तो दोस्तों आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, तो आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में डेली बने रहिएगा। और हाँ, जो लोग भी चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। उसके बाद जो
दोस्तों ये दोपहर का क्लिप है, तो इस टाइम बजे 2 और गैया का भी समय हो गया चारा पानी डालने का। तो यहाँ पे प्रीति जो है सबको पहले तो जो है चारा डालती है और उसके बाद जो है बारी बारी से सबको पानी पिलाएगी, फिर जो है इन सबके नीचे खोबर उठाएगी, क्योंकि दोपहर का जो है इसी का काम रहता है। सुबह में जो है हम रीता करती है अपना काम, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी गैया जो है खाने में लग जाती हैं। और इधर जो है मैं अपना गेहूँ बना रही थी जो पिछले ब्लॉग में धुली थी, और दोस्तों ज़्यादा गेहूँ नहीं बना रही, बस एक टफ ही बना रही क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी बोली जितना हो सकता है उतना ही बना दो, तो उतना ही बनाकर दोस्तों दे देते हैं दुकान पे। अभी अमृता लेकर जाएगी, और इधर मम्मी जो है नहा धो ली थी, तो अमृता आ जाती है मम्मी का मेकअप करने के लिए, यानी इनको आलता उलता लगा देती है, बाल में खंगी कर लेती है, जिससे मम्मी जो है सुंदर दिखे। और सच में दोस्तों मम्मी जब रेडी हो जाती है तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप लोग को कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं आप लोग से शाम के समय। तो इस टाइम जो है 7-8 बज रहे हैं, तो आज जो है हमारे घर रिकवच बनेगा। ये जो है पत्ते का बनता है, जो हरा वाला पत्ता होता है बड़ा बड़ा, अरवी का पत्ता इसे हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मम्मी कई दिनों से कह रही थी बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों समय न मिल पाने की वजह से हम लोग नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज दीदी ने ठान लिया था कि आज हम जो है बनाएंगे। तो सारी तैयारियाँ हम लोग जो है दोपहर में कर लिए थे, और उसके बाद जो है शाम के समय बनाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ ये बनेगा और दूसरी तरफ जो है हमारा भोजन बनेगा। तो देख सकते हैं दीदी जो है सबसे पहले तो बेसन का घोल तैयार की है, उसमें जो है मसाले वसाले ऐड कर देती हैं, और उसके बाद जो है पत्ते को अच्छी तरह से धुल कर लाती हैं, और उस पर जो है दोस्तों एक के ऊपर एक बेसन लगाती हैं, और फिर जो है ऐसे ही लपेट देती हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ इसे भगोने में रखने के लिए, और इसे हम लोग जो है भाप से बनाएंगे। पहले मम्मी जब भी बनाती थी तो भगोने में जो है पानी डाल देती थी, और उसमें जो है बांस का पत्ता डाल देती थी, और उसी में सारा ये रिकवच डाल देती ताकि एक घंटे में जो है हो जाता था। लेकिन अब दीदी जब से बना रही तब से जो है इसे भाप से बनाती हैं, और भाप से दोस्तों जो है बहुत ही अच्छा भी बनता है और गलता भी नहीं है, वरना जो है एक एक बार तो पानी में रहता है तो गल भी जाता है, लेकिन ऐसे जो है बहुत ही अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारी बारी से दीदी जो है सारा बना लेती हैं। और दोस्तों इसका जो है आप लोग को रेसिपी चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को जो है अलग से हम लोग रेसिपी भी तैयार करके दिखा देंगे। उसके बाद अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।